हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक जोशी आपके अपने चैनल में कार्तिक जोशी क्रिकेट अकेडमी में आपका वेलकम करता हूं। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्डिंग ऑफ एन इनिंग, किस तरह से हम इनिंग बिल्डअप कर सकते हैं। आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। एक बैट्समैन के लिए इनिंग बिल्डअप करने के लिए कौन सी चीज़ें बहुत मायने रखती है, आइए देखते हैं। एक बैटर को उसका ऑफ स्टंप हमेशा पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बॉल अगर उसके रेंज में नहीं है, आउटसाइड ऑफ स्टंप है, तो वो उसे अगर लीव करेगा तो वो ऑफ स्टंप कवर करते हुए लीव कर सकता है। क्यों ऑफ स्टंप कवर करना है? क्योंकि मे बी अगर वो बॉल नया है और स्विंग होकर अंदर आते हुए ऑफ स्टंप को भी छू सकता है और बोल्ड होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो इसीलिए ऑफ स्टंप कवर करते हुए जब भी बैटर कोई बॉल लीव करेगा तो वो ऑफ स्टंप को कवर कर कर ही बॉल लीव कर सकता है। इन द सेम वे दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला पार्ट है जो कि हम कहते हैं डिफेंस का पार्ट, वो आइदर फ्रंट फुट डिफेंस हो या फिर बैक फुट डिफेंस हो। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर बॉलर्स काफ़ी एक अच्छा स्पेल डाल रहे हैं, ऊपर से एक या दो विकेट वो ले चुके हैं, तो वो ऑलरेडी हाई इन कॉन्फिडेंस है, तो काफ़ी अच्छी तरह से वो डिलीवर कर रहे हैं, तो उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करना, उस अच्छे फेस को खेल कर निकालना भी बैटर को आना चाहिए, जिसमें ये फ्रंट फुट और बैक फुट डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले करता है। इसके बाद आता है स्ट्राइक रोटेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एज अ बैटर हम कंसिस्टेंटली स्ट्रोक्स नहीं लगा सकते हैं, तो जैसे ही बैटर को चांस मिलता है वो सिंगल बनाकर नॉन स्ट्राइक पे जाकर अगर खड़ा रह सकता है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अच्छा इनिंग बिल्डअप करने के लिए। तो उसमें भी आपको वापस जब हम स्ट्राइक रोटेशन की बात करते हैं, बैटर को जिस तरह से उसका ऑफ स्टंप पता होना चाहिए, वैसे ही बैटर को क्या फील्ड प्लेसमेंट लगी हुई है उसके लिए ये भी पता होना चाहिए, और जब भी वो सिंगल चुराने की कोशिश करेगा उसे हल्के हाथों से खेलकर फील्डर के आजू बाजू में प्लेस करते हुए सिंगल्स को चुराना पड़ेगा, सिंगल्स निकालने पड़ेंगे, और जितना आप स्ट्राइक रोटेट करते रहोगे सामने वालों पर प्रेशर बढ़ते रहेगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है मोहम्मद कैफ, जिनको आपने देखा होगा नेटवेस्ट सीरीज़ का फाइनल, बहुत ही यादगार सा था वो, आज भी सबको याद है किस तरह से मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने सिंगल्स और डबल्स में पार्टनरशिप बिल्ड करते हुए मैच को इंडिया के फेवर में लेकर आए थे। इंग्लैंड को पता भी नहीं चला किस तरह उनकी पार्टनरशिप 50 प्लस क्रॉस कर गई थी विदाउट हिटिंग अ बाउंड्री। सो लाइक दिस एज अ बैटर आप लोग भी अपनी इनिंग बिल्डअप करने के लिए इन चीज़ों का आपके रेगुलर प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हो, और जितना आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका इनिंग, आपकी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो गाइस कीप प्रैक्टिसिंग, लाइक आवर वीडियोज़ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।